हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। तो गाइस आज हम बात करेंगे ऐश की डार्क टाइप पोकेमॉन के बारे में। ऐसे भी दोस्तों हमारा हीरो ऐश के पास बहुत ही ज़्यादा कम डार्क टाइप पोकेमॉन है। पूरा एनिमे में गाइस उसके पास सिर्फ और सिर्फ 3 डार्क टाइप पोकेमॉन था। तो गाइस आज हम उसी 3 डार्क टाइप पोकेमॉन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए गाइस बिना वक्त लगा वैसे वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मैं हूं राकेश, आप लोग देख रहे हैं केयर कार्टून इंडिया चैनल को। तो गाइस पहला नंबर पर आता है दोस्तों स्प्लेगी, जो कि दोस्तों एक डार्क एंड फाइटिंग टाइप पोकेमॉन है, जो कि दोस्तों बहुत ही अच्छे टाइप है। और गाइस स्प्लेगी को ज़्यादा पावरफुल नहीं दिखाया गया, क्योंकि दोस्तों पूरा एनिमे में गाइस स्प्लेगी को एक पानी टाइप पोकेमॉन में से पेश किया गया। और गाइस स्प्लेगी का जो हाइट है वो है 0.6 मीटर एंड गाइस उसका जो वजन है वो 11.8 किलोग्राम, जो कि गाइस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और गाइस इसका स्पीड और एबिलिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और गाइस इसका बेसिक स्टेज अगर देखा जाए तो गाइस जो कि बिल्कुल भी अच्छा है। और गाइस इसी सारी बातों को गाइस मैंने ध्यान पे रखते हुए गाइस स्प्लेगी को मैंने अपने इस लिस्ट पर नंबर 3 पर रखा। तो गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं और नंबर 2 को देखते हैं। और गाइस दूसरा नंबर पर जो पोकेमॉन आता है गाइस वो है सनडाइल। गाइस इसका जो हाइट है गाइस वो है 0.7 मीटर और गाइस इसका जो वेट है वो है 15.2 किलोग्राम, जो कि गाइस बहुत ही अच्छा है। और गाइस इसका बेसिक स्टेज देखा जाए तो गाइस बहुत ही अच्छा है। गाइस एक डार्क एंड ग्राउंड टाइप पोकेमॉन है, जो कि गाइस बहुत ही अच्छा टाइप है। और गाइस दूसरे इवोल्यूशन इसका है वो है क्रोक, जो कि गाइस बहुत ही अच्छा है। और गाइस ये भी डार्क एंड ग्राउंड टाइप पोकेमॉन है। और गाइस इसका भी वजन है 1.0 मीटर, सॉरी गाइस इसका वजन है 33.4 किलोग्राम और इसका जो हाइट है वो है 1.0 मीटर। और गाइस ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा पोकेमॉन है। और गाइस इसका बेसिक स्टेज अगर आप लोग देखते हैं तो गाइस इसका अटैक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और गाइस इसका आखिरी रिवोल्यूशन, जो कि गाइस मेरा फेवरेट पोकेमॉन, बहुत ही ज़्यादा फेवरेट पोकेमॉन, खासकर गाइस इसके आँखों का जो सनग्लास का जो स्टाइल जो पोकेमॉन कंपनी वालों ने किया है गाइस, इसके वजह से गाइस ये पोकेमॉन बिल्कुल ही असम लगता है। और गाइस ऊपर से एक ग्राउंड एंड डार्क टाइप पोकेमॉन है, जो कि गाइस वो है क्रोकोडाइल। और गाइस इसका वजन है, जो कि गाइस इसका वजन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, 96.6 किलोग्राम। और गाइस इसका हाइट है 1.50 मीटर, जो कि गाइस मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और गाइस ये एक डार्क एंड ग्राउंड टाइप पोकेमॉन होने के साथ साथ ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर पोकेमॉन है। और गाइस इसी सारी बातों को ध्यान में रखते हुए गाइस मैंने इस पोकेमॉन को नंबर 2 पर रखा। और गाइस नंबर 1 पर जो पोकेमॉन होता है गाइस वो मेरा फेवरेट, सबसे ज़्यादा फेवरेट पोकेमॉन है गाइस, वो है वाटर एंड डार्क टाइप पोकेमॉन। तो गाइस आप सब लोगों का पता चल गया होगा कि मैं किस पोकेमॉन के बारे में बात कर रहा हूँ। गाइस वो है ग्रीन निंजा, जो कि गाइस वाटर एंड डार्क टाइप पोकेमॉन है। तो गाइस उसका पहला जो रेगुलेशन, जो कि वाटर टाइप सिर्फ और सिर्फ वाटर टाइप पोकेमॉन है, लेकिन गाइस अगर इसका ग्रीन निंजा में बदल जाता है तो गाइस उसका टाइप चेंज हो जाता है, वो है वाटर एंड डार्क टाइप हो जाता है। और गाइस इसका हाइट है गाइस 1.5 मीटर, जो कि गाइस बहुत ही अच्छे। और गाइस इसका वेट है 40.0 किलोग्राम, जो कि गाइस बहुत ही अच्छा है। और गाइस इसका बेसिक स्टेज अगर देखा जाए तो गाइस इसका अटैक डिफेंस और गाइस इसका स्पेशल अटैक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और गाइस इसका स्पीड एबिलिटी जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और गाइस अगर एक ग्रीन निंजा एज ग्रीन निंजा में बदल जाता है तो गाइस इतना ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन बन जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और गाइस इसका पास बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज है, जो कि गाइस वो एक डार्क टाइप वाटर टाइप होने के साथ साथ एक निंजा टाइप पोकेमॉन है। और गाइस इसके पीछे कुछ निंजा की तरह औजार आ जाता है, तो गाइस से बहुत ही ज़्यादा ताकतवर पोकेमॉन बन जाता है। तो गाइस इसी सारी बातों को मैंने ध्यान पे रखते हुए तो गाइस ग्रीन निंजा को नंबर 1 पर रखा। तो गाइस आप लोगों को क्या लगता है, मुझे ग्रीन निंजा को नंबर 1 पर रखना चाहिए या नहीं चाहिए, तो गाइस कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। तो गाइस बस आज का वीडियो बस इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो गाइस लाइक करना, शेयर करना और गाइस कमेंट करके जरूर बता देना। तो गाइस अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो गाइस सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, तो मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट किसी वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।